ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ होना। आपको पता है कि हर रात 10 लाख ऐसे लोग होते हैं जो अगली सुबह उठते नहीं हैं, मर जाते हैं। पूरे भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रात का खाना नहीं मिलता। 50 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता। और ऐसे न जाने कितने ही लोग हैं जिनके वो अपने शरीर से अपंग हैं, उनके पास या तो कोई मतलब ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि उनके पास शारीरिक क्षमता पूरी नहीं होती है जितनी आपके पास है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूर्ण रूप से विकसित बुद्धि नहीं होती है कि वो पूरी बातें समझ नहीं पाते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। आप सही, बिल्कुल सही हैं। तो आप इसके लिए कृतज्ञ होइए, ग्रेटफुल रहिए भगवान के प्रति कि भगवान आपने मुझे ऐसा जीवन दिया। सोच के देखिए, 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। सुबह उठ के आपको कहना चाहिए कि आज मेरी 10 लाख उन लोगों में गिनती नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। मेरी गिनती उन करोड़ों लोगों में नहीं है जिनको खाना नहीं मिल रहा है, मेरी गिनती उन लोगों में नहीं है जिनको दोनों टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और मेरी गिनती उन लोगों में नहीं है जिनके पास कुछ शारीरिक क्षमता ना हो। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ करने के लिए है। मैं गरीबी अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग बात है, ये अलग चीज़ है। लेकिन आपके पास शारीरिक क्षमता कितनी है, जानते हैं आप इस चीज़ को? कितनी क्षमता है आपके पास, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शारीरिक क्षमता नहीं है? तो आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास, देखिए दिल्ली के अंदर आप यदि रहते हैं तो आप यदि सिगरेट नहीं पीते हैं तो फिर भी 40 सिगरेट जितना धुआं आपके लंग्स में रोज जाता है। सोच के देखिए, 40 सिगरेट जितना धुआं रोज जाता है दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो। दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली। और यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप 40 सिगरेट धुआं अपने अंदर लेते हैं रोज, और देखिए आप कितनी खुली हवा में हैं। ये ग्रेटफुल होने की बात है कि नहीं, कि भगवान रोज हमारे अंदर 40 सिगरेट जितना धुआं नहीं जाता है, कितनी अच्छी बात है। तो आपके पास जो है उसके लिए आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी दो बच्चे आइएगा, प्लीज दो बच्चे कोई भी आप आ जाइए, दो बच्चे आप और आप, प्लीज आप भी प्लीज ये चीज़ पर्सनली मत लीजिएगा, मैं इस चीज़ को आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? समझ लीजिए, इनके पास साइकिल है, ठीक है, और इनके पास है क्या, आपके पास बाइक है इनके पास, समझ लीजिए। हंसने की बात नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? इनके पास बाइक है, इनके पास साइकिल है, आप भी आइए प्लीज। और ये पैदल चलते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इधर खड़े हो जाइए, इनके पास कुछ नहीं है। अब इनकी मांग क्या है कि मुझे साइकिल चाहिए, है ना? इन्हें क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। और साइकिल वाले को क्या चाहिए? बाइक चाहिए। साइकिल वाला कभी खुश होता है कि यार क्या है, रोज़ रोज़ चैन चढ़ानी पड़ती है इसकी, उसे बाइक चाहिए। और बाइक वाले को क्या चाहिए? कार चाहिए। देखिए, जिसके पास जो है उसके लिए वो इंसान सुखी नहीं है। पैदल वाले इंसान को जिस दिन साइकिल मिल जाएगी, ज़्यादा साइकोलॉजी ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ को यदि पाते हैं तो 10 दिन तक आपको खुशी उसकी महसूस होती है, 10 दिन बाद में वो खुशी कम होने लगती है साइकोलॉजी के अनुसार। ये यदि साइकिल पा लेते हैं तो 10 दिन तक खुश रह पाएंगे, 10 दिन बाद इन्हें भी बाइक चाहिएगी। और बाइक वाले को यदि कार मिल जाती है तो 10 दिन तक उन्हें कार की खुशी रहेगी, अगले दिन उन्हें ट्रक चाहिए। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है उसके साथ आप खुश नहीं है, तो आपको जो मिल जाएगा उसके साथ आप खुश रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? बताइए, यदि इनके पास पैर हैं, ये पैरों से खुश नहीं है, तो साइकिल से ये 10 दिन बाद में खुश रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप में से कोई ये कहना चाहेगा कि ये पूरी जिंदगी खुश रहेगा यदि इसे साइकिल मिल जाती है तो? कोई कहना चाहेगा?
ओके, यानी सभी मेरी बात से सहमत हैं और मेरी बात सही भी है कुछ कुछ मायनों में। यानी यदि इन्हें साइकिल मिल जाती है तो 10 दिन से ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। इन्हें बाइक मिल जाती है तो ये 10 दिन से ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। तो यदि आपको खुश रहना है तो आपको आज में जीना पड़ेगा, जो आपके पास है उसके साथ जीना पड़ेगा। सोचिए यदि इन तीनों के पास पैर ही नहीं होते और साइकिल बाइक और कार्स की ढेर लगी होती तो ये कार क्या चला पाते? कुछ भी नहीं चला पाते। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? पैर चाहिए, और पैर हमारे पास हैं। आगे तो हम कमा सकते हैं, साइकिल भी हम कमा सकते हैं, बाइक भी हम कमा सकते हैं, कार भी हम कमा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैर हैं, और वो हमारे पास हैं। तो ये ग्रेटफुल होने की बात है कि नहीं? खुश होने की बात है ना? किसी के पास समझ लीजिए 10,000 का मोबाइल है, उसे 20,000 का चाहिए, 20,000 वाले के पास, 20,000 वाले को 30 का चाहिए, और किसी को आईफोन चाहिए, और किसी को आईफोन 13 प्रो मैक्स, है ना? तो ये ज़िंदगी में सिलसिला चलता रहता है। यदि आपके पास बात करने के लिए नोकिया 1100 भी है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास सबसे पहले क्या होने चाहिए? कान होने चाहिए, वो आपके पास है। आगे सब कुछ आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए इन्हें? पैर, और पैर इनके पास हैं। तो ये यदि दुखी होते हैं कि मेरे पास साइकिल नहीं है, जिस दिन आप इनके पैर कट जाएंगे उन्हें पता चलेगा कि साइकिल नहीं थी लेकिन पैर तो थे ना, मैं कहीं भी आ जा सकता था, कुछ भी चला सकता था। यदि इन्हें साइकिल का सुख चाहिए तो दोस्त की साइकिल मांग के चला सकते हैं यदि पैर हैं तो, लेकिन साइकिल का सुख चाहिए और पैर ही नहीं है, क्या करेंगे? तो ग्रेटिट्यूड ये होता है, आपको जीवन में कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड अदा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि रोज़ रोज़ दो दो तीन तीन घंटे भगवान की पूजा कीजिए कि भगवान ऐसे है वैसे है ऐसे वैसे मुझे ये दे दो वो दे दो। देखिए मंदिर में जाने के दो तरीके होते हैं, मंदिर में जाने के दो तरीके होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं पर भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप भगवान से कुछ मांगने जाएं, भगवान से कुछ। अब यदि आप मांगने जाते हैं तो इसका अर्थ साफ साफ क्या है कि आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं है। यदि आपको जो मिल जाता है जो आप मांग रहे हैं तो आप खुश हो जाओगे। तो आप भगवान से मांगने जाते हैं, पहला तरीका यह है कि आप भगवान से मांगने जाते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि आप भगवान को धन्यवाद बोलने जाते हैं कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने जो दिया बहुत दिया, यानी मुझे पैर दिए, कम है क्या? पैर से आप साइकिल भी चला सकते हैं, गाड़ी का क्लच भी दबा सकते हैं, और ट्रक के क्लच पे खड़े भी हो सकते हैं, है ना? क्योंकि वो दबाने से तो दबता नहीं है, उसके ऊपर तो खड़ा ही होना पड़ता है। तो आपके पास सब कुछ है। दो तरीके क्या हैं मंदिर में जाने के? पहला क्या है? भगवान से कुछ मांगना जाए, मांगने जाएं, और दूसरा तरीका भगवान को धन्यवाद करने जाएं। तो आज से आपको क्या लगता है आप कौन सा तरीका अपनाना अच्छा महसूस करेंगे? धन्यवाद करना, कि आपके पास सब कुछ है। भगवान ने हर किसी व्यक्ति को टैलेंट दिया है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। जैसे उस बच्चे ने कुछ देर पहले कहा, उसका भीड़ में बोलने की क्षमता है उसकी तो यूनिक है, आप में से किसी ने नहीं बोला उसने बोला, यानी वो यूनिक है। आप में से उस बच्चे को पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, टैलेंट है उसके पास, यानी उसने अपने जीवन में पहले सोच लिया, यानी उसने सोचने का काम शुरू कर दिया है, यानी बुद्धि आपसे ज्यादा उसकी है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, चाहे वो कमजोर हो सकता है पढ़ाई में, लेकिन बुद्धि लगाना उसने शुरू कर दिया है, और यदि बुद्धि लगाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उसका दिमाग खुला हुआ है। वो भीड़ के बीच में बोल सकता है और वो भीड़ के बीच में सोच सकता है। अलग अलग टैलेंट, दो टैलेंट तो मैंने आपको यही प्रूव कर दिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास टैलेंट ना हो, हर किसी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, और जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लें आपके लिए अच्छा होगा। और यही सही उम्र है ये समझने की मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ। द्विज बने, द्विज, द्विज का अर्थ क्या होता है? जिसका दो बार जन्म हुआ हो, पहली बार अपनी माँ की कोख से, दूसरी बार अपने लक्ष्य के लिए
तो द्विज बने, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे जीवन में ना मुझे जीवन में धन्य रहना है जो मेरे पास है उसके लिए। आप बैठ सकते हैं। आपको दो चीज़ें सिखाई मैंने, पहली क्या थी, मुझे जीवन में क्या करना है, आप आगे बैठ जाएं, आगे मुझे जीवन में क्या करना है, और दूसरी क्या थी, मुझे जीवन में धन्य रहना है। ये दो चीज़ें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। और आप अपने माता पिता को यदि बातें बताएंगे कि मम्मी पापा आज मुझे ये सिखाया गया, वो खुश होंगे या नहीं होंगे? होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप उन्हें तभी बताएं जब आप इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें, यानी अपने जीवन में इसे ला पाएं। लेकिन आज तो आप बता देंगे, दो महीने बाद वही आपके थप्पड़ लगाएंगे और कहेंगे, दो महीने पहले तो क्या करते, मुझे ये सिखाया गया, मुझे वो सिखाया, कहाँ है ये सब चीज़ें, तुझे तो आज क्या चाहिए, मतलब 20,000 का फ़ोन चाहिए तुझे तो, जो तेरे पास है उसके लिए तो कुछ नहीं है इसका मतलब। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास यदि कोई चीज़ है और आपका उससे काम नहीं चल रहा है और आपको दूसरी चीज़ चाहिए तो आप वो भी त्याग दें, ना इसका मतलब ये नहीं है। अब समझ लीजिए, मुझे आप सबके बीच में बोलना है, ठीक है, तो बोलने के लिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, तो ये तो लाने की ज़रूरत है ही ना। लेकिन मेरा काम एक 30,000 वाले लैपटॉप में भी चल सकता है, और एक मैं 1,00,000 वाला लैपटॉप लाता हूँ तो वो होना गलत है। 30,000 वाला लैपटॉप लाना ठीक है क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन हद से ज़्यादा महंगा लाना, यदि मेरा बजट है, मुझे चाहिए वो, तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं सिर्फ शो ऑफ के लिए कि मुझे तो एप्पल का लोगो दिखाना है सब बच्चों को। क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा है एप्पल का लोगो क्या करना है? ना तो उस एप्पल को खा सकते हैं, अपन खा सकते हैं, बताओ कभी आज तक उस एप्पल को खा पाया? जितना वो पहले समय से है उतना ही है, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसका एक और बाइट वो ले सके, कोई नहीं खा पाया। अब बताइए, आप 1,00,000 2,00,000 रुपए खर्च करते हैं और उस एप्पल को खा भी नहीं पाते आप, सोच के देखिए। तो आप अपने माता पिता को बताइएगा कि मुझे ये सिखाया गया, लेकिन इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाइएगा भी ज़रूर, कि ग्रेटिट्यूड, धन्य ज़रूर रहिएगा अपने जीवन के प्रति कि मुझे ये मिला, बहुत अच्छी बात है। अपने आपको ऐसे ऐसे गुरु मिले, आपको ऐसे ऐसे टीचर्स मिले, हो सकता है कि उनका आपको सब्जेक्ट पसंद ना हो, हो सकता है कि वो आपको चपत लगाते हो, मारते हो, डांटते हो, लेकिन ये मार डांट आपको एक दिन बहुत याद आएगी, याद रखिएगा, बहुत याद आएगी। मेरे जो अजय सर थे ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उनके जैसा कोई पीटता नहीं था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जवाहर नवोदय, जवाहर नवोदय की एग्ज़ाम होती है 5th class के अंदर, वो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था और स्कूल में ही था। अब जो मेरे टीचर थे वो प्रिंसिपल सर थे, अजय सर, उन्होंने पूछा कि गिरीश तेरे नंबर कितने आए आउट ऑफ 100, 100 का पेपर हुआ करता था, तो उन्होंने पूछा तेरे नंबर कितने आए? मैंने कहा सर 71 नंबर आए थे मेरे। और जब आपके 90-95 नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाता है, शायद मेरे को याद भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरे ग्राउंड के बीच में मुर्गा बना दिया, हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पूरे ग्राउंड के बीच में मुर्गा बना दिया। और हमारे ग्राउंड में एक सहसूत का पेड़ हुआ करता था, आगे आप समझ सकते हैं, सहसूत का एक इतना बड़ा डंडा तोड़ा गया और लगभग 15 मिनट तक, अब आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मुझे वो याद आते हैं कि हाय क्या टीचर थे, कि मुझे ये भी सिखा दिया कि तुझे जीवन में क्या करना है, और ये भी सिखा दिया कि तू अगर नालायकपंती करेगा तो तू करेगा कैसे, बताइए। आप अपने जीवन में टैलेंट को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे मैथ अच्छी लगती है, मैथ में इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं करेंगे तो गुरु की ज़रूरत है कि नहीं? गुरु आपको पीट के बताएगा ना कि ये कर और ये मत कर, तो गुरु की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, पहली क्या थी कि मुझे जीवन में क्या करना है, और दूसरा मुझे जीवन में धन्य रहना है।